okay so very good morning to all of y'all so i hope yesterday's day was a wonderful day and y'all have utilized the holiday for a lot of revision and learning time today we are continuing with chapter number two okay which is relating to incorporation of a company and the matters that are incidental thereto okay, okay. hamarikut sections already last session we had started with section number three और हमारा टेन ए तक हुआ था ओके okay. अब बाकी के जो सेक्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम इलेवन तो हमारे अब एक्ट में है नहीं तो सेक्शन नंबर ट्वेल्व से हम शुरू कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड सो राइट नाउ आई एम ओपनिंग माई चार्ट बुक मैंने जैसे आपको बताया है आप जो भी बुक से पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो वही बुक को आप आपके आंखों के सामने रख सकते हो और रिफ़र कर सकते हो एक बार मैं अपने वर्चुअल बच्चों के भी हाल पूछ लेती हूँ गुड मॉर्निंग टू ऑल माई वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो ये आर्यन के नाम से ही जा रहे हैं ना चैट ओके okay. uh, मेरा जो फोन है वो क्रैश हो गया है सो टूडे आई विल बी चैटिंग इन द नेम ऑफ आर्यन जो भी आपके इश्यूज रहेंगे वैसे तो मैं स्ट्रेट अवे लाइव आपको आपके सवालों के जवाब दे दूंगी बट अगर कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना है तो चैट बॉक्स में आई विल बी मैसेजिंग इन द नेम ऑफ आर्यन अलॉन्ग विथ दैट क्योंकि अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है फोन क्रैश हो जाने की वजह से uh, आपके जो भी बैच के मैसेजेस है या नोट्स है या लिंक्स है ऑफ द लेक्चर्स आई विल बी पुटिंग नेम ऑन आर मेन टेलीग्राम चैनल विच इज़ इन द नेम ऑफ स्वप्निल पटनी क्लासेज तो जो भी फर्दर कम्युनिकेशन रहेगा वुड बी थ्रू टेलीग्राम और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्निल पटनी क्लासेस दिस इज टेम्परली टिल द टाइम माई फोन गेट्स रिकवर्ड ओके तो चलो शुरुआत करते है गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू ऑल और जैसे आप लोग जानते हो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा पंगा चालू है इस साल में <laughs> uh, मैं क्या बोल रही थी पता नहीं मुझे अभी चलो शुरुआत करते हैं है ना सेक्शन नंबर ट्वेल्व से हम लोग शुरुआत करते हैं विच टॉक्स अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी अब आप लोग जानते हो हर एक कंपनी जो होती है उसके पास होना चाहिए अपना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस ओके ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों होना चाहिए आप लोग जानते हो अभी तो हम लोग सेक्शन नंबर ट्वेल्व कर रहे हैं फिर अल्ट्रेशन जो है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का वो सेक्शन नंबर थर्टीन है तो uh, क्यों होना चाहिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्योंकि देखो ये वो जगह है जहां पे आप क्या कर सकते हो कंपनी से कम्युनिकेट कर, करते हो इनफैक्ट मेजोरिटी टाइम्स पे कंपनी के जो हेड uh, एक्टिविटीज होती है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होती है बट ऑफकोर्स यस ऐसा हो सकता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक है और उसका कॉरपोरेट ऑफिस अलग है दैट्स अ डिफरेंट इश्यू बट यूजली जो कंपनी का हेड ऑफिस होता है वही होता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस है जिस जो आपने जिसके बारे में आई एन सी ट्वेंटी टू में भी स्पेसिफाई किया है याद है आपको जो आपके पास हो जाना चाहिए और वेरीफाई भी कर देना चाहिए विद इन थर्टी डेज ऑफ द इनकॉरपोरेशन ऑफ द कंपनी सो एवरी कंपनी शुड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन थर्टी डेज ऑफ इट्स इनकॉरपोरेशन उतना ही नहीं तीस दिनों में कंपनी शुड ऑल्सो Get the registered office verified with the ROC in form number INC नंबर आई एन सी ट्वेंटी टू गेटिंग दिस और हर एक कंपनी को अपने कंपनी का नाम और अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो रखना पड़ता है लिखकर बिहाइंड एवरी ऑफिस ऑफ द कंपनी जितने भी आपके ऑफिस है जितने भी आपके ब्रांचेस है वहां पर आपको आपके कंपनी का नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो लिखना होता है इनफैक्ट कॉमन सील में कंपनी का नाम लिखा जाता है अलोंग विथ डेट अगर कंपनी के कुछ लेटर हेड्स है तो लेटर हेड्स में तो आप कंपनी का नाम रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लोगो वेबसाइट और फिर ऐसी सारी डिटेल्स भी आप लिखते हो इन द लेटर हेड्स ऑफ योर कंपनी अब देखो इसी रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में काफी सारी चीजें सेक्शन नंबर ट्वेल्व में बताई गई है एक बार पहले मुझे बताओ आपके कंपनी का एमओ ए जो है क्या उसमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है बट yes, उस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आप सिर्फ क्या लिखते हो स्टेट आप एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखते हो यू ओनली राइट डाउन द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस तो अब देखो आप सिर्फ लिख रहे हो द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ माई कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र दहाराष्ट्र का अल्ट्रेशन कब होगा एमओए का अल्ट्रेशन तब होगा जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट चेंज हो रहा है सही या गलत क्योंकि आपने तो एमओए के रजिस्टर्ड ऑफिस में स्टेट ही लिखा है तो अगर स्टेट चेंज होता है तो ही ऐसे केस में क्या होता है आपका एमओए अल्टर होता है बट एक बात बताओ मुझे स्टेट इज अ वेरी ब्रॉड थिंग ऐसा भी तो हो सकता है आपकी सिटी चेंज हुई है अच्छा सिटी चेंज नहीं हुई है बट सिटी के सिटी के अंदर क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी शिफ्ट हो सकता है तो अब अगर इनका भी अल्ट्रेशन होता है ऐसे भी अगर चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ऐसे चेंजेस के भी प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में बताए जाने चाहिए ये प्रोसीजर जो है ये बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर ट्वेल्व याद रखना सिर्फ जब आपका स्टेट चेंज होता है तो ही सेक्शन थर्टीन अट्रैक्ट होता है तो ही सेक्शन नंबर थर्टीन अट्रैक्ट होता है अदरवाइज इफ यू आर शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी तो सेक्शन ट्वेल्व अलोंग विद दैट आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट तो भी सेक्शन नंबर ट्वेल्व ही अट्रैक्ट होता है तो ही तो भी सेक्शन नंबर ट्वेल्व ही अट्रैक्ट होता है अब जब आप सिटी के बाहर जाते हो बट विद इन द सेम स्टेट दो केसेस हो सकते हैं आर का जोरिस्टिक्शन चेंज हो रहा है या तो आर का ज्यूरिस्डिक्शन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया में दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एक ही स्टेट में दो आर हैं महाराष्ट्र एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु तो अब इन दो केसेस में ऐसा पॉसिबल है क्या पॉसिबल है कि आप सिटी के बाहर जा रहे हो यू आर विद इन द सेम स्टेट बट द दूरिसन ऑफ द आर ओ सी इज चेंजिंग तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर ट्वेल्व कहां पे बताया गया है बोले तो अंडर सेक्शन नंबर ट्वेल्व तो क्या बात करता है सेक्शन नंबर ट्वेल्व लेट्स चेक इट आउट फ यू वॉन्ट टू शिफ्ट योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इधर सेक्शन ट्वेल्व विल अट्रैक्ट और सेक्शन नंबर थर्टीन विल अट्रैक्ट अगर आपको याद होगा क्लास में मैंने ये कुछ बताया था जब कभी भी आपकी कंपनी इनकॉरपोरेट हुई है जब कभी भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है येस वेरी गुड ओम तो देखो कंपनी के इनकॉरपोरेशन के तीस दिनों के अंदर दो बातें होती है the company should have its own registered office and the company should also get the registered office verified in form number INC 22 with the ROC. ये भी section number 12 में ही लिखा गया है Along with that, अब ये देखो कुछ याद है आपको ऐसा कुछ जो हमने class में किया था क्या तुम्हें याद है याद है या नहीं है yeah. कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कि बहुत कुछ कि सब कुछ कि कुछ भी नहीं Let's see. चेक करते हम लोग पहली बात तो अगर आप आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को आपके सिटी के अंदर ही शिफ्ट करना चाहते हो सिर्फ फॉर एग्जांपल पहले मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे कैंप में था कैंप से मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ टू पुणे एफसी रोड एम आई शिफ्टिंग इट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी मेरे को शेयर होल्डर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं है छोटा सा डिसीजन है यार पहले एम्प्लॉयज जहां कैंप आते थे अब एफ रोड आएंगे जहां शेयर होल्डर्स पहले कैंप आते थे अभी एफसी सी रोड आएंगे जहां डायरेक्टर्स पहले कैंप आते थे अब एफसी सी रोड आएंगे कुछ नहीं यार तीन किलो का फासला है इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ है कि हमें शेयर होल्डर्स को ट्रबल करना पड़ेगा तो ये जो छोटा सा डिसीजन है क्या डायरेक्टर्स ले सकते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा एंड शिफ्टिंग विल बी पॉसिबल विद इन द सेम स्टेट बट अब अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है फॉरगेट अबाउट कैम टू एफ सी रोड अगर मैं ऑफिस फिफ्टीन बी से ऑफिस नंबर में भी शिफ्ट होती हूँ ना पंद्रह से 18 में, तो भी मेरे को आई एनसी ट्वेंटी टू सबमिट करना पड़ेगा अरे ये वो एड्रेस है जहां पे आर ओ सी अपने बच्चे से मतलब कंपनी से बात करता है अरे तो बात करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डिटेल्ड पोस्टल एड्रेस होना चाहिए और इसलिए आपको यह वेरिफिकेशन वापस से सबमिट करना पड़ेगा विद द आर ओसी इवन इफ यू आर शिफ्टिंग विद इन द सिटी आउटसाइड द सिटी आउटसाइड द स्टेट फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ ना आई एनसी ट्वेंटी टू लग गया आई एनसी ट्वेंटी टू लग गया तो देखो यहां पे वही लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा एंड यू विल बी फाइलिंग आई एनसी ट्वेंटी टू विदी विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कहता है इफ यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट बट आर का जूरिस्डिक्शन चेंज नहीं हो रहा है जैसे कि गुजरात में तो एक ही आर है आप पहले राजकोट में थे और राजकोट से आप शिफ्ट हो गए टू सूरत क्या आप सिटी के बाहर जा रहे हो हाँ है ना हाँ बट क्या आप विद इन द सेम स्टेट हो अल्टर हुआ है एमओ अल्टर हुआ है yeah. नहीं हुआ है एमओए अल्टर नहीं हुआ है बट क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ आई एनसी ट्वेंटी टू तो होगा हो ही हो होगा पक्का किसके पास फाइल करोगे आरओसी के पास, पास. कितने दिनों के अंदर तीस दिनों के अंदर बट उसके पहले यू विल ऑल्सो टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन और चैप्टर नंबर सेवन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा है जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है फॉर्म नंबर बोलो कौन सा बी फोर्टीन विद द इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज सो दिस वुड बी द प्रोसीजर टू शिफ्ट योर रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी बट विद इन द सेम स्टेट ऐसा भी हो सकता है यू आर आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट बट द जूरिस्टिक्शन ऑफ द आर ओ सी इज चेंजिंग पुणे में दो आर ओ सीज है एक मुंबई में है और एक महाराष्ट्री yeah. पुणे में है और दूसरी जो है वो मुंबई में है अब मेरा ऑफिस पहले पुणे में था mm -hmm. पुणे से मैंने शिफ्ट कर दिया टू मुंबई अभी भी मेरा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है स्टेट पहले भी महाराष्ट्र था और अभी भी महाराष्ट्र ही है बट अब मुझे बताओ क्या मेरी आर की छत्र छाया चेंज हो रही है।, आरोसी का हो रहा है।, बात है प्रोसीजर थोड़ा सा हो और यहां पर अफकोर्स आप स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करोगे ही बट यू विल ऑल्सो द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर सो यू विल अप्लाई टू द रीजनल डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर हा या ना आपको तीस दिनों के अंदर बोलता है आपने अप्लाई कर दिया आज अब आरडी की जिम्मेदारी है 30 दिनों के अंदर या तो वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा गेटिंग दिस और नो डियर फ्रेंड्स आफ्टर दैट वॉट विल हैपन सपोज अगर आरडी ने हा बोल दिया तो फिर तो क्या बात है फिर सिक्सटी डेज के अंदर you will submit it to the ROC. And ROC will make the note of the changes within a period of 30 days. तो ऐसे करके 30, 60, 30 days का ये period आता है. Yes or no guys? SR तो pass हो गई? कुछ है? SR तो pass होगा और SR के साथ साथ MGT 14 to be filed with the ROC within a period of 30 days. एक मिनट थोड़ा सा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उस पर थोड़ा सा नजर घुमा लो फिर हम बढ़ेंगे आगे हेमंत ओके, वेरी गुड दिव्या राव आपको हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आ रहा है सो प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड कीप इट अप। अब देखो, अगर आप सिटी के बाहर जा रहे हो सुनो ना आप सिटी के तो बाहर जा रहे हो बट आप स्टेट के भी बाहर जा रहे हो सिटी के तो बाहर जा रहे हो आप स्टेट के भी बाहर जा रहे हो यहां पे क्या आपका मेमोरेंडम का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है क्लॉज बट इसीलिए यस क्योंकि योर स्टेट इज चेंजिंग बट इसीलिए ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 में नहीं दिया है वो दिया है अंडर सेक्शन नंबर 13 बट क्योंकि हमारी स्टडीज इंटीग्रेटेड स्टडीज है एंड हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे सेक्शन 13 की वो जो बात है हम यही पे इसी के साथ जोड़ते हुए पढ़ लेते तो अगर आपको शिफ्ट होना है से अमृतसर ओके okay, से जयपुर में अमृतसर से जयपुर में अमृतसर पंजाब में और जयपुर राजस्थान में क्या आपका स्टेट चेंज हुआ है अगर आपका स्टेट चेंज हुआ है तो यहां पे एमओ का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज अल्टर हो रहा है तो इसी का प्रोसीजर सेक्शन तेरह में दिया गया है यहां पे भी आपको ऑब्वियसली कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ती है और यहां पे लिखा गया यू नीड टू टेक द कंफर्मेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके बट कोर्स आई ने अपना पावर आरडी को डेलीगेट किया है तो प्रैक्टिकली आप आरडी के पास जाते हो बट मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था अगर आपको एग्जामिनेशन में क्लिक नहीं होता है ना प्लीज ज्यादा होशियारी मत दिखाओ स्ट्रेट अवे आप लिख दो हमें परमिशन लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट हा या ना बोलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स डेज अलोंग विद यू ऑल्सो नीड टू पास अल हम लोग माला गिनते रहे पीरियड ऑफ थर्टी डेज आई एनसी ट्वेंटी टू भी फाइल होता है क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है अलॉन्ग विद यू ऑल्सो नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स दिस इज एन एडिशनल पॉइंट एज कंपेयर टू द लास्ट सीनारियो आप पहले तो क्रेडिटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए mm. अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो yeah, ऐसे केस yeah, में यू ट्राई टू गिव देम अरिटी सिक्योरिटी से भी बंदा नहीं मान रहा है फाइनली यू डोंट हैनी अदर ऑप्शन बट यूल है तो अगर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ही विल नॉट बी एबल टू से नो टू आर डिसीजन भाई हमने तो आपको दे दिया ना जो आपका पैसा बनता था तो अब आपका कोई अधिकार नहीं है ना बोलने के लिए गेटिंग इन द रजिस्टर्ड ऑफिस यही सारी बातें बताई गई थी अंडर सेक्शन नंबर ट्वेल्व अब हम जाते हैं आगे एंड दैट इज टू सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन थर्टीन टॉक्स अबाउट अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन की हम बात कौन से कौन से क्लोजेज होते हैं क्लास में बताई थी बोलो एन आर अब देखो हमारा आर वाला अल्ट्रेशन तो हो गया जो सेक्शन तेरह का है अब हम जा रहे हैं पहले वाले क्लॉज पे एंड दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ द नेम क्लॉज अच्छा क्या कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है कोर्स यस सर हमारी कंपनी है हमारी मर्जी चलेगी अगर हम चाहे तो हमारे कंपनी का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं बट याद रखना जब कभी भी आप कंपनी का नाम चेंज करते हो यू नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ या ना और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करेंटली अपने पावर्स आर को डेलीगेट किए है ये याद आता है तो क्या बात है नहीं, याद तो नहीं, नहीं, आता नहीं आता है तो अवे लिख दो आपको लेना होगा प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी के प्रायर अप्रूवल के बाद ही आप आपका नाम जो है वो अल्टर कर सकते हो अब देखो वाई वुड समी वॉन्ट टू चेंज देर ने अब हो सकता है जैसे मैंने आप नेचर, ओके नेचर। एक अगर आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है आपका नाम और आपका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ जरूरी है आपका नाम और आपका काम एक दूसरे से संबंधित होना जरूरी है हो सकता है आपने आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट को बढ़ाया है घटाया है चेंज किया है कुछ भी हो सकता है तो उसी के सिंक में आपको अब आपके कंपनी का नाम भी चेंज करना होगा अलोंग विद दैट माई डियर फ्रेंड्स और एक सिचुएशन हो सकती है जैसे कि देखो मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि uh, <coughs> ये वॉलेंट्री चेंज की हम बात yeah. अगर हम चाहे कैन वी चेंज इट टू स्वप्निल एंड अंकिता पटनीस क्लासेस सो फॉर अदर रीजन ऑल्सो वी मे चेंज द नेम ऑफ आर कंपनी हा तो अगर हमें कंपनी का नाम चेंज करना है फर्स्टली ज अ वॉलेंट्री चेंज दिस हमने क्या किया हमारे कंपनी का किया है नाम चेंज यू विल नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ दैट माई डियर फ्रेंड्स यू विल ऑल्सो रिक्वायर्ड यूलो बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन और जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो फॉर्म नंबर टू बी फाइल विद द इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है एन्युअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में तो ऐसे केस में द कंपनी विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इज नेम ठीक है तो ये डिफॉल्ट अगर आप करते हो तो हम आपको आपके कंपनी का नाम चेंज करने के लिए अलाव नहीं करेंगे और ये जो प्रोसीजर है ना जहां हमने कहा सीजी का अप्रूवल लो नाम चेंज करने के लिए सीजी का अप्रूवल लो नाम चेंज करने के लिए ये अप्रूवल विल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ योर प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन अ पब्लिक कंपनी तो तब आप कन्वर्जन का जो प्रोसीजर गर है वो फॉलो करते हो ओके आपको यहां पे सीजी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अगर आपकी कंपनी का टाइप ही चेंज हो रहा है प्राइवेट टू पब्लिक आप तो वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं जिस ऑलरेडी सेक्शन नंबर एट में एटीन में बताए गए हैं तो इसलिए यहां पे हमने कहा है आपको ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो एन हो गया बट अब देखो एन में मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूं कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कंपनी का जो नाम है दैट इज नॉट डिजायरेबल दैट इज नॉट डिजायरेबल कंपनी का नाम या तो सिमिलर है टू अनदर कंपनी का नाम या तो कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का ट्रेडमार्क ओके सपोज हमारी क्लासेस का नाम है टाटा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चलेगा क्या नहीं चलेगा बट सपोज आर ओ सी से गलती हो गई गलती नहीं से मिस्टेक और आर ओ सी ने हमारा नाम ग्रांड कर लिया बट जैसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पता चला कि ऐसी कोई क्लासेस रन हो रही है उनके गुडविल पे उनके नाम पे तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे ये देखो ना ऐसी कैसी कंपनी का नाम आपने अप्रूव कर दिया है जिसका नाम हमारे कंपनी के नाम से सिमिलर है एंड देन आर कंपनी विल गेट द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ आर कंपनी चेंज्ड और यही सी का जो डायरेक्शन है वो हमको कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स। विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स। जो भी या जब भी हमें सीजी का डायरेक्शन आता है दिस डायरेक्शन हैज टू बी कंप्लाइड बाय अस विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स नए नाम के लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बट लॉ मेकर यहां पे कहते हैं ये जो रेजोल्यूशन आप पास करोगे दिस रेजोल्यूशन विल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और जैसे ही आपका नाम चेंज हुआ है आपको पंद्रह दिनों के अंदर पंद्रह दिन यहाँ पे पंद्रह दिन दिए यूजली तीस दिन होता है बट इस प्रोविजन में है पंद्रह दिन पंद्रह दिनों के अंदर आप आर को इस चेंज के बारे में बताओगे और आर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था ना आपको क्या आप नाम चेंज करो वो ऑर्डर की भी कॉपी आप आर के पास सबमिट करोगे ये सारी बातें जो है ये सेक्शन तेरह में नहीं दी गई है वो दी गई है अंडर सेक्शन नंबर सिक्सटीन यस तो नाम ही सेक्शन का देखो ना कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द कंपनीज नेम क्या है रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाई करना मतलब अपनी गलती को सुधारना आपसे गलती हो गई है आपने आपके कंपनी का नाम ऐसा प्रपोज किया था जो दूसरे कंपनी के नाम से सिमिलर था या दूसरे कंपनी के ट्रेडमार्क से सिमिलर था पेटीएम का एग्जाम्पल मैंने दिया था पेटीएम इज अ ट्रेडमार्क बट 197 नाइनटी सेवन कम्युनिकेशन इज द नेम ऑफ द कंपनी मैंने लक्स का भी एग्जाम्पल दिया था कि नहीं लक्स ट्रेडमार्क है बट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अलग है तो आपका नाम कोई कंपनी के नाम से भी सिमिलर नहीं हो सकता है और किसी कंपनी के ट्रेडमार्क से भी सिमिलर नहीं हो सकता है आरओसी से गलती से मिस्टेक हो गई नाम ग्रांट कर दिया बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगा आपकी गलती को सुधारने के लिए और जैसे ही सीजी का डायरेक्शन हाँ। आया है तो क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं आपको मिनट जस्ट वन सेकेंड अगर मैंने मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अभी 12 साल हो गए टाटा स्क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड टाटा ने आज तक मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया है नाउ दे विल नॉट बी एबल टू डू इट वाई क्योंकि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर है ना अगर उसको सीजी को अप्लाई करना है ही अप्लाई इट ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स तीन सालों के बाद अब मेरी भी क्लासेस का खुद का नाम बन चुका है अब आप मुझे डायरेक्शंस के द्वारा अपना कंपनी का नाम चेंज करने के लिए कंप्लाई नहीं कर सकते इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब आप उसको उसके नाम से भी जानने लग गए हो तो लोगों ने अब एसोसिएट करना शुरू कर दिया तो अब गलत हो जाएगा नाम चेंज करना एंड दैट इज़ वाई वी विल नॉट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप तभी जा सकते हो जब तीन ही साल हुआ है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद तो यू कैन नॉट गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव नो पावर टू गिव यू द डायरेक्शन टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी गेटिंग दिस माय डियर दाई डिंड्रेड परसेंट यस तो देखो ये कहां पे दिया गया रेक्टिफिकेशन के बारे में सेक्शन नंबर सोलह में देखो हम लोग मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं बट मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन की कुछ कुछ बातें सेक्शन बारह में दी है एक्चुअली नॉट बारह में थर्टीन uh, में ही दी है बट हमने 12 के साथ 13 किया था क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वैसे ही जब हमने 13 किया है रिलेटिंग टू चेंजिंग नेम हमने उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 16 भी कर लिया क्योंकि 16 भी नाम के रेक्टिफिकेशन के बारे में ही बात कर रहा है तो प्रैक्टिकली तो जब क्लाइंट आपके पास आता है वो ये नहीं बोलता है मैं तेरह में फॉल कर रहा हूं या सोलह में फॉल कर रहा हूं या मैं बारह में फॉल कर रहा हूं या तेरह में फॉल कर रहा हूं आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा सिचुएशन है और कौन सा सेक्शन है जो अट्रैक्ट हो रहा है कल जाके जब एग्जामिनर भी आपको सवाल पूछेगा वो तो ऐसा बोल देगा कंपनी uh, का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है इंदौर से example, से फॉर एग्जाम्पल इंदौर से लखनऊ में तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है स्टेट चेंज हुआ है तो बारह लगेगा या तेरह तेरह क्या एमओ भी अल्टर हो रहा है ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा वॉलेंट्री चेंज हो रहा है नाम या सीजी ने डायरेक्शंस दी है इसीलिए तो तेरा लगेगा या सोलह लगेगा उसके हिसाब से यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर और इसीलिए क्लास के वक्त भी हमारा अप्रोच एकदम होलिस्टिक था बिकॉज एग्जामिनर थोड़ी ना आपको सेक्शन नंबर के हिसाब से सवाल पूछने वाला है वो तो सिचुएशन के हिसाब से सवाल पूछेगा डिसाइड आपको करना है कि कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है सो यू नॉट जस्ट मग अप कि ये सेक्शन नंबर ये है ये सेक्शन नंबर ये है ये सेक्शन नंबर ये है। मगिंग अप इज नॉट द फोकस व्हाट द फोकस इज टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन एंड शुड बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई दैट प्रोविजन वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए भी और सीए बनने के बाद क्लाइंट को कंसल्ट करने के लिए भी गेटिंग दिस आर नो माई डिफरेंस यस आगे एन आर हो गया एल लाइबिलिटी क्लोज देखो लाइबिलिटी क्लॉज को जनरली अल्टर नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर इफ यू आर चेंजिंग द टाइप ऑफ योर कंपनी अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है आई वांट टू गेट इट कन्वर्टेड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देन माय लाइबिलिटी क्लॉज माई चेंज और इफ माय गारंटी कंपनी वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन अनलिमिटेड कंपनी मे बी दैट टाइम आई एम चेंजिंग माय लाइबिलिटी क्लॉज अदरवाइज अगर आपके कंपनी का टाइप चेंज नहीं हुआ है आपका लाइबिलिटी क्लॉज भी अल्टर नहीं किया जा सकता है ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और institute का फेवरेट भी है। क्या कंपनी अगर चाहे अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकती है yes. बोलो ना yes. कर सकती है पक्का बोलो ना yes. तो अभी हम लोग सीए की क्लासेस ले रहे कल जाके अगर हम चाहे क्या इलेवेंथ ट्वेल्थ सीएस भी शुरू कर सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज का स्कोप बढ़ा सकते हैं बट yes. अगर हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज का स्कोप बढ़ाना है रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे एसआर आर पास हुआ है फॉर्म नंबर एमजीटी 14, टी फोर्टीन टू बी फाइल्ड विद द विद इन अ पीरियड ऑफ यहाँ पे कुछ दो बातें अलग हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू एग्जिट hmm. बोलो ना डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट और और एक बात है आपको दो न्यूज़पेपर में ये खबर जो है वो छपानी पड़ेगी एक वर्नेक्यूलर और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द कंट्री और वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर दैट इज सर्कुलेटिंग इन दैट स्टेट इन विच योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दोनों भी अखबारों में आपको यह खबर छपवानी पड़ेगी कि यह जो कंपनी है पहले सिर्फ सीए की क्लासेस लेती थी अब सीए के साथ साथ सी एस बी इलेवेंथ बी ट्वेल्थ भी या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉस चेंज हुआ उस बारे में आपको यह खबर जो है वो छपवानी पड़ेगी याद रखना इस अल्ट्रेशन में यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग मतलब जिन्होंने एस आर पास नहीं किया जिनकी इच्छा नहीं थी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने की है ना वो लोग क्या कर सकते हैं बोलो ना यस वो बाहर निकल सकते हैं उनको दिया जाएगा एक ऑपॉर्चुनिटी टू एग्जिट तो एन हो गया आर हो गया एल हो गया ओ हो गया एंड लास्टली इज द कैपिटल क्लॉज कैपिटल क्लॉज जो है ना कैपिटल क्लॉज उसमें आप लिखते हो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिडेड इंटू नंबर ऑफ शेयर सेक्शन सिक्स का भी रेफरेंस देती हूं क्योंकि सेक्शन सिक्सटी वन पांच चीजों के बारे में बात करता है और ये जो पांच चीजें है ना ये पांच चीजें वो है जिसके द्वारा आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है ओके okay? यहां पे क्या हो रहा है आपका कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर हो रहा है स्पैमिंग चालू हो गई छोड़ो रहने दो कुछ नहीं कर सकते बाकी जो बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं होता है ठीक है अब देखो सेक्शन 61 जो है 61 ठीक है वो उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जिसके वजह से आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है तो कौन से कौन से केसेस के वजह से आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है सबसे पहली बात तो वेन एवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल वेनएवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल और यू वॉन्ट टू कैंसिल द शेयर्स। कैंसिल करना को कभी कभार हम कहते हैं टू डिमिनिश द शेयर कैपिटल और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कैंसिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिडक्शन एक सेक्शन है सेक्शन नंबर नंबर चैप्टर में जो बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में ओके okay, मैंने क्लास में आपके नोटबुक्स में डिफ्रेंसिएशन भी लिखवाया था बिटवीन रिडक्शन एंड डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल देखो जब आप शेयर्स को डिमिनिश कर रहे हो ना कैंसिल कर रहे हो आप वो शेयर्स कैंसिल कर रहे हो जो कभी सब्सक्राइब हुए भी नहीं थे बट जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो ना रिड्यूसिंग कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है हमने आर राजकुमार का पिक्चर का सीन भी देखा था कंपनी का टर्नओवर हो रहा है कंपनी पूरी रिवाइव हो जा रही है हम वो कैपिटल को कम कर रहे हैं जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है बट जब हम यहाँ पर कैंसलेशन की बात कर रहे हैं हम उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं जो कभी सब्सक्राइब हुए ही नहीं है अरे ये कभी सब्सक्राइब हुए ही नहीं है किसी का इंटरेस्ट भी नहीं उन शेयर्स पे कोई पार्टी अफेक्ट भी नहीं हो रही है इसलिए प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना रिडक्शन का है चालू हुआ क्या हो गया था अभी तक तो गोली घूम रहा है हाँ हुआ अभी लाइव हुआ चेक ऑडियो हो गया ना शायद ये देखो हो गया ना अभी ठीक है नाउ क्लियर तो देखो हम लोग कहाँ पे थे हम लोग सेक्शन नंबर 61 पे थे ध्यान दीजिए सेक्शन नंबर 61 पे डोंट वरी आई डिड नॉट टीच एनीथिंग आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल ओके तो आप लोगों का कुछ भी मिस नहीं हुआ है ध्यान दीजिए जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन 61 वो पार्च केसेस के बारे में बात करता है जिसके वजह से आपका एमओए अल्टर होता है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बार डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा है कि आप लोग वो बताइए वो केसेस जहां जहां पे आपका शेयर कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर होता है तो वन यू आर इंक्रीजिंग यू ऑथराइज शेयर कैपिटल सेकेंड यू आर कैंसलिंग द शेयर विच नेवर सब्सक्राइब कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन सब डिविजन एंड लास्टली इज कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक और स्टॉक इंटू शेयर ओके तो ये सारे सिचुएशन है जहां पे क्या होता है आपका कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर होता है ठीक है यही कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर तो रेजोल्यूशन पास करके आप आप क्या कर लोगे आप आपके कैपिटल क्लॉज को कर लोगे अल्टर ठीक है रिसेंट एग्जामिनेशन में आई थिंक इसके पहले वाले अटेम्प्ट में मतलब मे 2022 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कैपिटल क्लॉज के अल्ट्रेशन के ऊपर सवाल पूछा था और उसके सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने बताया है दैट द द रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू अल्टर कैपिटल क्लॉज इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी अगर आप देखते हो कहीं कहीं पे एस है और कहीं कहीं पे ओ है बट वी वुड राधा स्टिक टू दैट आंसर दैट द इंस्टीट्यूट हैज गिवन इन द लेटेस्ट एग्जामिनेशन ओके सो वी आर स्टिकिंग टू दोज आंसर्स आंसर विच द आई सी आई इज गिविंग सो दैट अगर कल जाके कुछ गड़बड़ भी होती है हमें हमारे मार्क्स मिल जाएंगे तो रेजोल्यूशन जो रिक्वायर्ड रहेगा आप भी आपके एग्जामिनेशन में लिखोगे विल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ द कंपनी तो ऐसे करके होता है हमारा सेक्शन नंबर तेरह कंप्लीट तेरह के साथ साथ हमारा सोलह भी हो गया है और हमारा सिक्सटी वन भी हो गया है तो ऐसे आपको लग रहा होगा हम लोग तेरह तक ही पहुंचे बट ऊपर नीचे के भी बहुत सारे सेक्शंस जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब हम जाते हैं टू सेक्शन नंबर फोर्टीन दिस सेक्शन नंबर फोरटीन टॉक्स अबाउट द द अल्ट्रेशन ऑफ ऑफ आर्टिकल्स एसोसिएशन तो so, देखो फोर एंड फाइव मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं एंड थर्टीन एंड फोर्टीन उनके अल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो आप लोग जानते हो आर्टिकल्स मतलब हमारे बाईल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्वियस बातें बदलते वक्त के साथ आप आपके काम करने के तरीके को भी बदल सकते हैं और इसी आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए आपको लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन जब कभी भी आपने आपके आर्टिकल को अल्टर किया है मेक इट श्योर इट इज विद इन द मेमोरेंडम इट इज विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इट इज ऑल्सो विद इन द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल डिसीजन गिवेन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ अच्छा आपके आर्टिकल्स में ही तीन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखे होते हैं एल आर पी हो सकता है आप आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब आप एल आर पी को हटा रहे हो ऐसा भी हो सकता है कि आप आपकी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब अब आप आपके आर्टिकल्स में ऐड करोगे एल आर पी तो जब प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू okay. प्राइवेट कंपनी चेंज होती है ना आर्टिकल्स भी अल्टर होता है बिकॉज वी आर इधर एडिंग एल आर पी और वी आर रिमूविंग एल आर पी बट याद रखना अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल अच्छा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था बट 2019 के बाद राइट नाउ इट इज द एनसीएलटी तो ट्रिब्यूनल का प्रायर अप्रूवल लेने के बाद ही आप आपके आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो जहां तक आपको पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी के कन्वर्ट करने की बात है प्राइवेट टू पब्लिक जब आप कन्वर्ट करते हो ना आपको एन की परमिशन की जरूरत नहीं है तब आप सिर्फ एस पास करके क्या कर लोगे एल को डिलीट कर दोगे बट जब आप पब्लिक टू प्राइवेट पब्लिक कंपनी थी आपकी पब्लिक अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इनटू अ प्राइवेट अफेयर बात है ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसलिए हमने कहा है आप करो आपको चेंज करना है तो वी आर नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट बट टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड देन यू विल बी एबल टू एड एल आर पी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पवित्र मेहता पूछ रहा है एल आर पी का क्या मतलब है लिखा है बेटा आपने कसाई सर बेटा प्लीज वॉच द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द त्रिशूल बैच यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज एल आर पी इट्स अ मेमोरी टेक्निक फॉर द थ्री रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन द प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ठीक है ये तीन रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ना आपको लिमिटेशन है रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन है तो वो एल आर पी उसका शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं ओके okay. नेक्स्ट आ जाइए मैम एस आर एंड ओ आर कब कब पास होता है <laughs> जहां जहां एस आर मेकर ने लिखा है ना दट ये चीज करने के लिए एस आर लगता है वहां एस आर पास होगा और जहां लिखा है रेजोल्यूशन पास कर रहा है ठीक है बेटा तो गुड मॉर्निंग बेटा आप ऐसे करोगे तो सीरियसली मेरे को टेंशन आ रहा है यार मतलब कसा ओके सेक्शन नंबर फिफ्टीन आ जाइए सेक्शन नंबर फिफ्टीन अरे जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल में अल्ट्रेशन हुआ ना

कोई भी मेंबर ने ये सिर्फ मेंबर से रिलेटेड बात करता है कोई भी मेंबर ने अगर कंपनी को रिक्वेस्ट किया है फॉर द कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल और अग्रीमेंट और रेजोल्यूशन गिवन अंडर वन वन सेवन ऑफ द कंपनीज एक्ट तो ये मेमोरेंडम या आर्टिकल या रेजोल्यूशन की कॉपीज जो है कंपनी को देनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन डेज फ्रॉम द डे इट गॉट द रिक्वेस्ट एंड द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस तो मेंबर क्या करेगा कंपनी को जो भी नॉमिनल फीस है वो देगा और सात दिनों के अंदर उसको इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिल जानी चाहिए अगर नहीं मिलती है तो कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को लग जाएगा एक पेनल्टी का अमाउंट विच इज वन थाउजेंड रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट विच विल कंटिन्यू अप टू वन लैख रुपीज एज सिंपल एज दैट बहुत ईजी प्रोविजन था हम लोग बढ़ते हैं अब आगे हाँ ठीक है वो पेनल्टी मैंने रीड नहीं की देखो मैं आपको एक तो बताना चाहती हूँ सारे पेनल्टीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सिलेबस क्योंकि वो सेक्शन का ही पार्ट है तो अगर इंस्टीट्यूट तो चाहे तो क्या कर सकती पूरा का पूरा सौ नंबर का पेपर पेनल्टी पे डाल देंट <laughs> क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इंस्टीट्यूट ने कहा है वन टू वन फोर्टी एट सब कुछ है और हर सेक्शन के नीचे कुछ ना कुछ पेनल्टी है या प्रोविजन है तो इंस्टीट्यूट की कुछ भी मर्जी हो सकती है तो इंस्टीट्यूट अगर चाहे कुछ भी कर सकती है बट दिस विल नॉट हैपन बिकॉज पेनल्टीज इज मोर ऑफ मेमोराइजिंग एंड मगिंग अप तो इंस्टीट्यूट इज नॉट इंटरेस्टेड इन मगिंग अप एंड मेमोराइजिंग एंड चेकिंग के आपका दिमाग कितना तेज है याद करने के लिए इंस्टीट्यूट वॉन्ट्स टू हैव एन ओवर यू नो एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग आप कंसेप्चुअली क्लियर हो या नहीं आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं आप लिख पा रहे हो या नहीं लॉजिकल माइंड आपका कैसा चल रहा है इसलिए तो थर्टी मार्क्स का एमसीक्यू भी डाला गया है कि स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होते हैं सो so, देखो ऐसा तो नहीं है कि एक भी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं पूछेगी हो सकता है आ, सौ में से चार पांच नंबर का पेनल्टी के ऊपर एम पूछ लिया कुछ सवाल पूछ लिया डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बट फिर आपको ना उतना मार्जिन पकड़ के चलना पड़ता है तो इसीलिए यू कैन नॉट कीप एनी फॉर ऑप्शन आप अगर सोचोगे छोड़ो जी छोड़ दिया ऑप्शन के लिए आई छोड़ देते ऑप्शन के लिए तो वो तो गया ही गया है और प्लस ये पेनल्टी वाले प्रोविजंस आप आज रीड करोगे आपको लर्न रहेगा कल आप वापस भूल जाओगे इट्स वेरी डिफिकल्ट यार क्योंकि बहुत ज्यादा मेमोराइजिंग है ये मतलब मुश्किल ही नहीं ऑलमोस्ट नामुमकिन है इनफैक्ट हाँ अगर आपको तीन चार साल दिए तो फिर हो सकता है अभी आपको नौ महीने में क्लासेस भी करनी है पढ़ना भी है एग्जाम भी देनी है अरे पॉसिबल नहीं है ये चीज तो आप क्या कर सकते हो मेन मेन जो प्रोविजंस होते हैं ना जिसमें अमेंडमेंट्स है या पेनल्टी में अमेंडमेंट्स है या जो नेगेटिव सेक्शंस है जैसे कि कंपनी जो है वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है चलो मैंने इशू कर ही दी है तो क्या होगा वैसे टाइप के प्रोविजंस जो है ना उनकी आप पेनल्टी लर्न करो तो 148 में से आप जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनकी आप पेनल्टी लर्न करो सब कुछ आप लर्न करने जाओगे ना आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स उतने एफर्ट आप दूसरे कंटेंट में डालो विच विल बी मोर इंप्रेसिव ओके सो दैट्स हाउ इट इज आ जाइए चलो आगे सेक्शन uh, नंबर हमारा चौदह uh, हो गया पंद्रह हो गया सोलह तो पहले ही हो गया था सत्रह भी हो गया हमारा तो अब हम जाते हैं टू सेक्शन नंबर एटीन ओके कन्वर्जन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड तो एनी क्लास ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज एनी टाइम कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर कैन गेट कन्वर्टेड इंटू लिमिटेड बाई गारंटी प्राइवेट कंपनी कैन गेट कन्वर्टेड इंटू अ पब्लिक कंपनी तो जो भी आपका अल्ट्रेशन का प्रोसीजर है मेमोरेंडम और आर्टिकल का उसको कंप्लाई करते हुए आप क्या करोगे वो प्रोसीजर फॉलो करके कंपनी के टाइप को कन्वर्ट कर लोगे सिर्फ याद रखना ओपीसी जो है इट कैनोट गेट कन्वर्टेड इंटू अ सेक्शन एट कंपनी ओके सो दैट इस नॉट पॉसिबल इवन इफ यू फॉलो एस आर बी आर वो भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ओपीसी ना ही सेक्शन एट की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है और ना ही सेक्शन एट में कन्वर्ट हो सकती है वो स्पेसिफिकली सेक्शन ने ही मना किया है तो वो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल पॉसिबल सिर्फ और एक आपको चीज याद रखनी है पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट में कन्वर्ट होती है सेक्शन 14 स्पेसिफिकली अभी हमने डिस्कस किया है वो कहता है आपको एनसीएलटी का प्रायर अप्रूवल लेना होता है तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो बाकी सारी चीजें तो आप फ्रेम कर ही पाओगे नेक्स्ट सेक्शन नंबर 19 इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड इन द शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी जनरल रूल कहता है कि देखो सब्सिडरी कंपनी जो है अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शन ना हो इसी के हैं तीन एक्सेप्शन होल्डिंग द शेयर्स अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी सेकेंड जो एक्सेप्शन है वो ये है दैट यू आर होल्डिंग द शेयर एज अ ट्रस्टी और तीसरा जो एक्सेप्शन है यू ड हेल्ड द शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन बिफोर यू बिकेम इट सब्सिडी तो अब देखो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट यू विल नॉट बी एंटाइटल टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी यह याद रखना इसमें वन वन टू टू मार्क्स का करेक्ट इनकरेट या क्वेश्चन आंसर टाइप्स के क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट या सेक्शन नंबर नाइनटीन के ऊपर पूछती है

तो उस दिन तो मैं फिनिक्स मॉल में था <laughs> पठान देखने गया था तो वैसी वो बात होती है तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अगर कंपनी के ऊपर सर्व करने हैं जैसे आर को अभी हमने देखा में, 16 में सेक्शन नंबर 16 में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना है कंपनी को तो so, कैसे सर्व करेगा कहां सर्व करेगा सर्व तो करेगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बट कैसे सर्व किया जाएगा तो वेन एवर देर इज सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द कंपनी टू द कंपनी यू विल सर्व इट एट द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफिस ओके इधर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर और अगर आपको लग रहा है बगल में ही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है यू कैन आल्सो लीव इट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस या आजकल हम तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी अलाव करते हैं तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे भी आप मेल भेज सकते हो वुड बी इक्विवेलेंट टू अ सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट अच्छा कंपनी को भी क्या मेंबर्स को आरओसी को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अभी देखा आईएनसी22 एमजीटी14 तो बहुत बार ऐसा होता है कंपनी को भी आर ओसी को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तो अब कंपनी जो इन अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट सर्व करती है दिस इट कैन सर्व थ्रू नॉर्मल पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर डिलीवरिंग एट द ऑफिस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में एक्चुअली फिजिकली जाके आप डिलीवर कर दो और इवन बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड यस और नो गाइज सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर ट्वेंटी रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 21 बात कर रहा था ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ओके सो एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द कंपनी एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी ऑथेंटिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय एनी की मैनेजरल पर्सन और एन ऑफिसर

ऑन बिहाफ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ द कंपनी बाय एनी पर्सन हु हैज बीन गिवन द ऑथोरिटी तो जिसको भी ऑथोरिटी दी है वही पर्सन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स को बना सकता है एंडोर्स कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है इन द नेम ऑफ द कंपनी साथ साथ में माई डियर फ्रेंड्स अगर कंपनी के पास है कॉमन सील अगर कंपनी के पास है कॉमन सील तो इफ अ कंपनी बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील ऑथोराइजेज एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ ओके स्पेसिफाइड मैटर्स एज इट्सिटी टू एक्जीक्यूट अदर डीज ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस इधर इन और आउटसाइड इंडिया तो अगर कोई डीड जैसे कि पार्टनरशिप डीड मोडगेज डीड ऐसी कोई डीड में कंपनी को एग्जीक्यूट करना है कंपनी के नाम पर आपको यह डीड एग्जीक्यूट करने है तो अब आप देखोगे क्या कंपनी के पास कॉमन सील है अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो ऑथराइज्ड पर्सन कॉमन सील को लगा देगा तो माना जाएगा कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट उस डीड को साइन किया है बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है देन सच डीड्स हैव टू बी बाय टू डायरेक्टर्स। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो अ डायरेक्टर अलॉन्ग विथ अ कंपनी सेक्रेटरी दिस इज इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स पार्टनरशिप डीड मॉडगेज डीड बहुत सारे डीड्स होते हैं ना ये डीड को साइन करने के लिए आप लोगे कॉमन सील कॉमन सील इज लाइक द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी अगर कॉमन सील नहीं है तो ऐसे केस में कंपनी सेक्रेटरी विद डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी टू डायरेक्टर्स तो ऐसे करके हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर टू ओके चैप्टर नंबर टू जो है उसमें सेक्शन थ्री से लेकर सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू सारे के सारे सेक्शन आज हमने सेक्शन नंबर तेरह देखा तेरह किस बारे में था अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम 14 अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल जैसे अल्ट्रेशन हुआ है एमओ ए का और एओ ए का हर एक कॉपी को भी क्या आप अपडेट कर दोगे ये पंद्रह में दिया गया है सत्रह कहता है अगर मेंबर ने एमओए, एओए और रेजोल्यूशन की कॉपी मांगी है तो सात दिनों के अंदर कंपनी को वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने देखा अगर है अगर कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं या कंपनी के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं। ऑथेंटिकेशन के बारे में आपने देखा है की मैनेजल पर्सन और एनी पर्सन हुइज बाय द बोर्ड बिल्स वगैरह जो है वो जो ऑथराइज्ड पर्सन रहता है वो ही एग्जीक्यूट करता है और जहां तक डीट्स की बात है आप डीट्स पे कंपनी का कॉमन सील अफिक्स करते हो ठीक है साथ साथ में हमने सोलह देखा था जहां पे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी देखा था बारह देखा था जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है बट इट इज विद इन द सेम स्टेट इट्स नॉट रिजल्टिंग इन टू एन अल्ट्रेशन ऑफ द एमओ 18 वाज टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ कंपनीज एंड 19 कहता था कि कंपनी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है ओके, बिफोर लीविंग ऑल वी आर डूइंग दीज टू एमसीक्यूज के स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर टू और कल याद रखना टूमोरो लाइव कहूट टेस्ट ऑन यूनिट वन

आप कल का सेशन एटलीस्ट मेरे साथ लाइव अटेंड करो बिकॉज uh, आपको भी समझ में आएगा वे यू आर स्टैंडिंग इन दिस इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन ठीक है लाइव स्कोर आपके आंखों के सामने आएगा हाँ या ना चलो ये देखो नमिता सिरामिक गुड्स लिमिटेड हैविंग 152 फिफ्टी टू मेंबर्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरामिक गुड्स ग्लेज

पहला द कंपनी कैन अल्टर इट्स मेमोरेंडम बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के लिए है या इसार? इसार, इसार 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 है। तो आई डोंट थिंक सो ऑप्शन ए इज द द करेक्ट आंसर कंपनी कैन अल्टर मेमोरेंडम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ये थोड़ा बहुत करेक्ट लग रहा है सी एक बार रीड कर देते द कंपनी कैन अल्टर इट्स मेमोरेंडम इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑप्टेनिंग द कंफर्मेशन ऑफ दर डी आरडी का अप्रूवल आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए नहीं लगता कहां पर लगता है एड्रेस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है अ कंपनी कैन अल्टर इट्स एमओए इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग एन एसआर एंड साइमटेनियसली पब्लिशिंग द कंटेंट्स ऑफ द एस इन टू न्यूज The company can alter its memorandum in relation to its object clause by passing a special resolution at the mm. shareholders yeah. meeting. And simultaneously publishing the yeah. contents. Yeah. <laughs> <laughs> and simultaneously publishing the contents of the special resolution uh, into न्यूज पेपर वन इंग्लिश एंड वन वर्नैक्यूलर लैंग्वेज न्यूज पेपर सर्क्यूलेटिंग इन दैट एरिया क्या डी आंसर करेक्ट लग रहा है हा या ना बट यहां पर बी क्यों दिया हुआ है आंसर में आंसर एक्चुअली डी होना चाहिए इट्स नॉट बी सो प्लीज करेक्ट इट एंड वेरी गुड रिचा, अटल मुकेश शिवानी साकी ओके ऑल फेस टू फेस किड्स, भावना रोहित तुषार वेरी गुड हर्ष मीतू सभी लोगों ने डी जवाब दिया है तो एटलीस्ट आप जेन्यून आंसर की देख के आप नहीं कर रहे हो तो देखो वैसे तो बी भी करेक्ट है बट बी और डी में डी इज मोर करेक्ट आपको समझ में आ रहा है बिटवीन बी एंड डी डी इज मोर करेक्ट देखो जब कभी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता है, आप इसी के details जो है resolution के दो न्यूज पेपर में पब्लिश करते हो तो आंसर वी डी सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम द आंसर इज डी नेक्स्ट अनुपम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विथ हिस्स सिस्टर अल्पना एज द नॉमिनी इट्स देखो मैंने आपको बोला था ओपीसी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है such a opc or small company uh, and about 3 years have passed satisfactorily anupam does a number of charitable work and is associated with three ngos his business under his opc has also flourished now he is planning to convert the opc into a section 8 company opc ko section 8 company may convert karna possible and no सिंस द कंपनी बिलोंग्स टू अनुपम ही कैन फुलफिल डिस्क्रिप्शन टू कन्वर्ट क्या नहीं उसकी उसकी मर्जी चलेगी चलेगी नहीं चलेगी सिंस द कंपनी वॉज फॉर्मड एज अ प्राइवेट कंपनी द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज टू कन्वर्टेड इन कुछ भी जवाब है पब्लिक कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं है देर इज अ स्पेसिफिक प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्टिंग ओपीसी इंटू सेक्शन एट कंपनी अदरवाइज इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू अट और अ पब्लिक कंपनी विदाउट एनी इंड आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर बट फिर भी हम डी रीड कर लेते हैं देखो आप

OPC, कोई भी हालत में सेक्शन एट में कन्वर्ट नहीं।, नहीं हो सकती है टेस्ट अननेसेसरी अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे योर कॉन्फिडेंस विल गो एट द लोअर एंड बिकॉज दिस इज एन ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिशन एंड एवरी वन इज गोइंग टू कम प्रिपेयर और आप अगर होशियारी में जाओगे प्रिपेयर नहीं करोगे आपको लगेगा मेरे को कुछ नहीं याद है मैं बेकार ही हूँ तो ऐसा कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिए दैट इज द थिंग दैट यू रिक्वायर राइट नाउ इज्जत दो अपने करियर को अपने लाइफ को अपनी पढ़ाई को बहुत आगे जाओगे ठीक है चलो सी यू ऑल टूमोरो थैंक यू सो मच स्टडी वेल बाय एंड आई विल बी सेंडिंग ऑल द मैसेजेस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ओके बाय बाय Uh, पूजा मैम तुरंत शुरू करिए टैक्स का क्लास ठीक है बाय मैं कर देती हूँ आपको अभी मेरा फ़ोन ही नहीं चालू है मैं जीपे कर दूँगी आपको मेरा फ़ोन सुनना ना आप कर किसी को भेजना है यहाँ पे